कानपुर में व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने तकरीबन 1,50,00,000 रुपए कीमत की चोरी की सरिया बरामद की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से माल भी बरामद किया गया है। लोहा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और सर्विलांस के जरिए खुलासा किया। मामले में मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि मेसर्स बमलेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 10 जनवरी 2024 को 30 मैट्रिक टन से अधिक सरिया अयोध्या की मेसर्स जय मां शारदा ट्रेडिंग कंपनी को बेचा गया था। सरिया महावीर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट द्वारा अयोध्या भेजा जा रहा था। डिलीवरी के लिए ट्रक ड्राइवर सरिया लेकर निकला, लेकिन वह 19 जनवरी तक खरीदार के पास नहीं पहुंचा। इसके संबंध में व्यापारी ने कानपुर के व्यापारियों से शिकायत की। थाना बादशाही नाका पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए आरोपी महेंद्र यादव ने बताया है कि ट्रक में माल ले जाते इस समय उसे लगा कि अगर इतना माल बेचकर इतना पैसा आ जाएगा कि उसकी जिंदगी सही हो जाएगी। उसके मन में यह लालच आया। इसके बाद वह सरिया बेचने के लिए दूसरी जगह पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने इसी दौरान पकड़ लिया। सरिया बेचने के लिए मध्य प्रदेश में था, तभी कानपुर की बादशाही नाका थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने सर्विलांस का उपयोग करते हुए 4 दिन के भीतर ही पूरी घटना का खुलासा कर दिया। डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम को इनाम भी दिया जाएगा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सर, पकड़े गए अभियुक्त ने क्या क्या बताया है और किस तरह से वो सरिया? देखिए, जैसा कि आपने प्रेस नोट में देखा होगा कि ये माल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बुक हुआ था और अयोध्या जाना था। अच्छा, उधर करते तो अयोध्या जाना था और बेसिकली जो यहाँ से जो डील हुई थी सिर्फ कंप्यूटर पे माल की बुकिंग हुई, तो माल जहाँ पे डिलीवरी होना था वो अयोध्या था और माल जहाँ से होना था वो अदर स्टेट था। लेकिन मैं सीपी सर का और इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। माननीय विधायक जी यहाँ के लोकल हैं, व्यापार मंडल के जो लोग हैं उन लोगों ने इस बात को अपना रखा और बादशाही नाका की पुलिस ने, हमारे डीसीपी ने, हमारे डीसीपी ने, और इसमें लगे हम लोग लगे पूरे के पूरे। और पहले तो मोबाइल नंबर नहीं हुआ, मोबाइल नंबर से IMI रन कराई गई, बाकी डिटेल उस पर प्रोसेसिंग हुई और पिछले 4 दिन से हम लोग कॉन्टिन्यूस लगे माल को ट्रेस करने में। मुलजिम को पकड़ा, माल को पकड़ा, फिर माल को वहाँ से डिलीवरी जहाँ पे हुई थी या जहाँ पे उसको रखा था उसको लेकर के फिर इसको हम लोग बरामद किए हैं। जैसा कि आपने कैंपस में देखा कि काफ़ी माल बरामद। सर, ये मामला लगभग ट्रेसिंग से हुआ कि मुख्य नहीं ट्रेसिंग ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो एक महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना कि ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि जो घटना जो दोनों स्पॉट उसका कोई बादशाही नाका से संबंध नहीं है, क्योंकि डिलीवरी कहीं पर होनी थी और डिलीवरी उठानी कहीं से थी। लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे प्रभावित हो रहे व्यापारी भाई वो यहाँ के बादशाही नाका के थे, तो उनका कंसर्न था और उनके कंसर्न को हम लोगों ने ध्यान में लिया और उस पूरे के पूरे माल को पूरा बरामद किया है और 100% रिकवरी है। और ये मतलब बड़ी बात है और जिसके यहाँ किया है उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्राइम ऑफ ऐसी हम लोगों को यह था कि मुलजिम भले मिल जाए, अगर माल नहीं मिला तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण होता है केस वर्कआउट हो, लेकिन अगर माल की डिलीवरी नहीं हुई तो जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता उस बात में। अब 30 मैट्रिक टन है, आप उस हिसाब से गणित लगा लो कितना है, 15-15.5 लाख का माल है। सर, किस जगह पकड़ा गया है? सर, 30 मैट्रिक। ये मध्य प्रदेश में एक चितरंगी जगह है, चितरंगी डिस्ट्रिक्ट। नहीं, उसमें हमने कहा ना ये एक नेटवर्क के तहत है, उसमें हम लोग बाकी करेंगे, बाकी जिसके यहाँ किया है वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग की प्राइमरी फैसी जो था कि माल की रिकवरी हो, माल आ जाए, क्योंकि जो व्यापारी भाई हैं उनका इंटरेस्ट माल में, माल अगर मिला तो बाकी मुलजिम तो हम और पकड़ेंगे। नहीं, अपराधिक इतिहास इसलिए नहीं क्योंकि भाई माल ले जा रहा था, ला रहा था, गुरफेत में था, अब किसी पॉइंट पे उसकी नीयत बदल गई, समझ गए। अगर माल तो में पहले से अपराधी होता, पहले से करता तो क्यों ड्राइवर रखते, क्यों ट्रक पे चलता? तो इससे पहले माल ले गया होगा, ये तो अचानक से इसका पहली बार इस तरीके से पूछताछ में बताया? नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। इससे पहले भी माल ले जाता रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना किसी पॉइंट पे इसकी नीयत बदल गई। जैसे आदमी कोई सामान लेके जा रहा है, 10 बार लेके गया, उसकी लास्ट में ईमान फसल गया, अब उसको लगा के बेच देंगे पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि भाई माल है और ये ट्रेस होगा और मोबाइल है, बाकी चीज़ है, डिटेल है, उसके आधार पर धीरे धीरे पुलिस ने और इसको ट्रेस किया। और समझिए कि बादशाही नाका पुलिस के लिए कितना मुश्किल है कि यहाँ से एक अलग स्टेट में जाना और वहाँ से माल को रिकवर करके ला, मतलब हमने डिस्ट्रिक्ट नहीं क्रॉस किया, एक स्टेट क्रॉस किया, तो ये एक बड़ी बात है। क्या टीम को नहीं, बिल्कुल टीम पूरे इनाम की हकदारी है।
पूरी इनाम की हकदार है और बड़ा सराहनीय काम है। ऐसे काम हो तो हमारा जो पुलिस का काम होता है, जो हमारी लोगों के बीच में एक गुडविल है, वो बनती है। और ये बादशाही नाका पुलिस ने पेन लिया और सीपी सर के निर्देश में सीपी सर ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और हम लोगों ने किया। जो हमारी टीम वहाँ पे गई थी उससे हम लोग कॉन्टेक्ट में थे, हम लोगों को मुलजिम भी मिला, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, वेट करो, जब तक माल नहीं रिकवर होगा तब तक रिटर्न नहीं होना है। फाइनली माल रिकवर किया और माल लेकर के फिर हम लोग यहाँ पे आए। ट्रक मालिक भी है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।